हम लोग लोकल कंट्रोल ऑफ टिश्यू ब्लड फ्लो को डिस्कस कर रहे थे और उसमें हम एक्यूट जो इसकी टाइप थी उसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कि एक्यूट कंट्रोल ऑफ लोकल ब्लड फ्लो के अंदर हमारे पास क्या आता है, उसके अंदर हमारे पास चार थ्योरीज आती हैं जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आता है ऑटो रेगुलेशन एंड सर्टेन सब्सटेंसेस ड्राइव फ्रॉम एंडोथेलियल सेल्स। तो हमें आप देखना है ऑटो रेगुलेशन को। सो गाइस, ये ऑटो रेगुलेशन बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसका लिंक जो है वो आगे वाले चैप्टर्स के साथ भी आएगा। सो आपको बड़े अच्छे से इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ ऑटो रेगुलेशन। ऑटो रेगुलेशन क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द टिश्यू सेल कि वो अपना ब्लड फ्लो खुद ही कंट्रोल करें। ठीक है, ऑटो रेगुलेशन क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द टिश्यू सेल कि वो अपना ब्लड फ्लो खुद ही कंट्रोल करें बाय रेगुलेटिंग मेटा आर्टेरियल्स। ठीक है, ऑटो रेगुलेशन क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द टिश्यू सेल बाय विच दे कंट्रोल देयर ओन ब्लड फ्लो बाय रेगुलेटिंग मेटा आर्टेरियल्स। ठीक है, ऑटो रेगुलेशन क्या है कि ऑटो रेगुलेशन वो प्रॉपर्टी है टिश्यू की कि जिससे वो अपना ब्लड फ्लो कंट्रोल करते हैं बाय रेगुलेटिंग मेटा आर्टेरियल्स। अब बाय रेगुलेटिंग मेटा आर्टेरियल्स से क्या मुराद है कि या तो वो मेटा आर्टेरियल्स को, क्योंकि हमें पता है कि मेटा आर्टेरियल्स स्पिंटर लाइक एक्शन शो करता है। ठीक है, तो हमारे पास टिश्यूज़ या तो मेटा आर्टेरियल्स को कंस्ट्रिक्ट करके रखेंगे या मेटा आर्टेरियल्स को ओपन करके रखेंगे। सपोज करो, अब इस ऑटो रेगुलेशन को समझने के लिए वी हैव गॉट टू थ्योरीज। तो पहली थ्योरी हम डिस्कस करते हैं, वो है मेटाबॉलिक थ्योरी। तो मेटाबॉलिक थ्योरी जो है वो हमारे पास सेम एज इट इज़ वही थ्योरी है जो हमने पहले जो है वो फोर थ्योरीज के अंदर डिस्कस की थी कि अगर हमारे पास टिश्यू के सेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म कर रहे होंगे तो दे विल प्रोड्यूस सर्टेन वैसोडायलेटेड सब्सटेंसेस। Those vasodilator substances will go towards the meta-arteriolar cells. अब वो vasodilator substances हमारे पास meta-arteriolar cells के पास जाएंगे और वो meta-arteriolar cell को बोलेंगे कि आप लोग dilate हो जाओ। तो जब अगर हमारे पास meta-arteriolar cells dilate हो जाएंगे so हमारे पास sphincter जो है वो dilate हो जाएगा and that dilation of sphincter will allows more blood टू गो टूवर्ड्स द टिश्यूज़। जैसे हमारे पास है ना मेटा आर्टेरियुलर सेल्स जो हैं वो डायलेट हो जाएंगे तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि हमारे पास आर्टेरियल एंड से ब्लड जो है टूवर्ड्स द टिश्यू वो बहुत ज़्यादा जाना शुरू हो जाएगा सो दैट इट कैन मीट द टिश्यू डिमांड्स ऑफ ब्लड। ताकि वो हमारे पास टिश्यू की जो डिमांड है कि उनको ज़्यादा ब्लड फ्लो रिक्वायर है एज दे आर हैविंग मोर मेटाबॉलिज्म, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा ब्लड फ्लो रिक्वायर है। तो टिश्यू ने सर्टेन सब्सटेंसेस रिलीज करा है, मेटा आर्टेरियल डायलेट हो गया तो अब ज़्यादा ब्लड फ्लो पहुँच जाएगा टूवर्ड्स द टिश्यू टू मीट देयर डिमांड, ताकि वो उनकी डिमांड्स को जो है वो मीट कर सके क्योंकि वो ज़्यादा मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं। ठीक भाई, ये बात समझ में आ गई। लेकिन अगर हमारे पास एक्सेसिव अमाउंट में हमारे पास ब्लड फ्लो हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, आर्टेरियल एंड पे हमारे पास है ना, सपोज करो कि हमारे पास कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो रहा है, ब्लड जो है वो ज़्यादा ब्लड फ्लो है ना, मतलब ब्लड को हार्ट जो है वो ज़्यादा हमारे पास ब्लड पम्प कर रहा है। सपोज़ करो हमारी बॉडी का कार्डिक आउटपुट जो है या कार्डिक हमारी बॉडी का ब्लड जो है वो ब्लड अमाउंट जो है ब्लड वॉल्यूम जो है वो बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि भाई हार्ट जो है वो ज़्यादा ब्लड पम्प कर रहा है। ठीक, तो हमारे पास क्या होगा कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो फ्लो होगा टूवर्ड्स द आर्टरीज। अब आर्टरीज से जब हमारे पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो होने लगेगा एट द मेटा आर्टेरियुलर लेवल, तो हमारे पास क्या होगा कि टिश्यूज़ की तरफ ज़्यादा ब्लड जाएगा। अब ये जो ज़्यादा ब्लड है ये एक्सेसिव है, अब ये टिश्यू की नीड से ज़्यादा एक्सेसिव है, तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो है ये हमारे पास क्या करेगा, इट विल प्रोवाइड मेटा आर्टेरियुलर सेल्स विद एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ये जो एक्सेसिव ब्लड फ्लो आया है ये हमारे पास क्या कर रहा है, ये हमारे पास ये काम कर रहा है कि मेटा आर्टेरियुलर सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से अब हमारे पास क्या होगा कि मेटा आर्टेरियुलर सेल्स जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे और एक्सेसिव अमाउंट में जो हमारे पास ब्लड फ्लो हो रहा है टूवर्ड्स द टिश्यू वो नहीं होगा, सो दैट हमारे पास टिश्यूज़ की तरफ से वीनस ड्रेनेज जो बनेगा वो कम बनेगा और फिर ये कम वीनस ड्रेनेज एज अ हॉल्ट हमारे पास है ना, कम वीनस ड्रेनेज पहुँचेगा टूवर्ड्स द हार्ट और फिर हमारे पास हार्ट जब है ना वो वीनस ड्रेनेज को पंप करेगा इनटू द राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल और फिर जब लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे पास ब्लड पंप होगा तो वो हमारे पास कम ब्लड फ्लो मतलब कम जो है अमाउंट जो है वो पंप होगा। अब इस कम से क्या मुराद है,
टूवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि पहले हमने देखा था कि भाई हार्ट जो है वो ज़्यादा ब्लड फ्लो को पम्प कर रहा था, फिर हमारे पास वो ज़्यादा ब्लड फ्लो जो है वो टूवर्ड्स द टिश्यू जा रहा था, फिर हमने क्या किया, हमने ऑटो रेगुलेशन की मेटाबॉलिक थ्योरी को फॉलो किया, उसने क्या किया कि वेजो कंस्ट्रक्शन कर दी एट द मेटा आर्टेरियोलर लेवल सो दैट जो एक्सेसिव अमाउंट हमारे पास टूवर्ड्स द टिश्यू पहुँच रहा था वो नहीं गया। तो फिर हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास वीनस ड्रेनेज कम बना, और फिर वो कम वीनस ड्रेनेज हमारे पास पहुँचा कहाँ पे, टूवर्ड्स द हार्ट, और फिर हार्ट ने उसी कम वीनस ड्रेनेज को पम्प किया सो दैट हमारा जो ज़्यादा ब्लड फ्लो बन गया था बॉडी के अंदर वो हमारे पास टूवर्ड्स द नॉर्मल आ चुका। ठीक है, समझ में आ गया कि सपोज करो कि पहले हमारे पास है ना बॉडी के अंदर 5.5 लीटर का ब्लड हो गया था, फिर हमारे पास क्या हुआ कि वो टिश्यूज की तरफ भी इतना ही जा रहा था, सपोज ये हाइपोथेटिकल मैं वैल्यूज यूज़ करता हूँ समझाने के लिए। ठीक, कि सपोज करो कि हमारे पास एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड फ्लो टूवर्ड्स द टिश्यू फ्लो हो रहा था और टिश्यू वीनस ड्रेनेज भी ज़्यादा बना के दे रहा था। अब जब टिश्यू की तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा पहुँचेगा ही नहीं और एक्सेसिव अमाउंट जो हमारे पास जो ब्लड टूवर्ड्स द टिश्यू जा रहा था वो जाएगा नहीं, और फिर हमारे पास टिश्यू जब वीनस ड्रेनेज कम भेजेगा तो फिर हमारे पास हार्ट भी जो है वो वीनस ड्रेनेज को कम पम्प करेगा और हमारा जो वॉल्यूम जो था ब्लड का वो क्या हो जाएगा, वो हमारा अप टूवर्ड्स द नॉर्मल आ जाएगा। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद दूसरी थ्योरी आती है, वो आती है मायोजेनिक थ्योरी। मायोजेनिक थ्योरी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास है ना रेगुलेट करती है ब्लड फ्लो टूवर्ड्स द टिश्यू विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज आर्टेरियल प्रेशर। ठीक है, मायोजेनिक थ्योरी क्या है, मायोजेनिक थ्योरी रेगुलेट तो करती है ब्लड फ्लो टूवर्ड्स द टिश्यू लेकिन विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज आर्टेरियल प्रेशर। इसका जो प्राइमरी स्टिमुलेटर होता है वो हमारे पास इंक्रीज आर्टेरियल प्रेशर होता है, ना कि इंक्रीज ब्लड फ्लो टूवर्ड्स द टिश्यू। मायोजेनिक थ्योरी जो है ऑटो रेगुलेशन की, वो हमारे पास जो इसका मेजर या मेन स्टिमुलेटर है वो हमारे पास इंक्रीज आर्टेरियल ब्लड प्रेशर है, ना कि हमारे पास मोर ब्लड फ्लो टूवर्ड्स द टिश्यू। मायोजेनिक थ्योरी का जो मेन स्टिमुलेटर है वो कौन है, इंक्रीज आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इन आर्टरीज, और वी कैन से इंक्रीज आर्टेरियल प्रेशर इन वेजल्स। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या होगा कि जब हमारे पास इंक्रीज आर्टेरियल प्रेशर हो जाएगा इन वेजल्स, ये हमारे पास आर्टरीज के अंदर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, कॉज वही होगा कि ड्यू टू मोर कार्डिक आउटपुट फ्रॉम द हार्ट। जाहिर सी बात है कार्डिक आउटपुट जब हमारे पास ज़्यादा होगा, कार्डिक आउटपुट का फॉर्मूला क्या है, कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। जब हार्ट रेट ज़्यादा होगा स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा निकलेगा, तो हमारे पास क्या होगा कि कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा। जब कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगा तो हमारे पास आर्टेरियल प्रेशर अपॉन टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस का रेशियो जो है वो भी ज़्यादा है, इट मीन्स कि हमारे पास आर्टेरियल प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगा मोर ब्लड होगा वेजल्स के अंदर, तो वो ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा। अब जब ये ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट होगा, सपोज करो ये ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट हुआ एट द लेवल ऑफ मेटा आर्टेरियोल्स, ये ज़्यादा प्रेशर जो है मतलब जो वेजल है, वेजल के अंदर जो ब्लड है उसने ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट किया एट द वॉल ऑफ मेटा आर्टेरियोल्स। तो जैसे मेटा आर्टेरियोलर लेवल पर हमारे पास ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे जो मेटा आर्टेरियोलर सेल्स हैं वो स्ट्रेच हो जाएंगे। जैसे हमारे पास मायोजेनिक थ्योरी में क्या है कि आर्टेरियल प्रेशर बढ़ा हमारी एक वेजल के अंदर और उस वेजल के मेटा आर्टेरियोलर लेवल पे यही इंक्रीज आर्टेरियल प्रेशर पहुंचा, तो हमारे पास मेटा आर्टेरियोलर सेल्स क्या हो जाएंगे, स्ट्रेच हो जाएंगे। उस स्ट्रेच होने से हमारे पास क्या होगा कि उन सेल्स की परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कैल्शियम आयंस फ्लो कर जाएंगे टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द मेटा आर्टेरियोलर सेल्स। हमारे पास जो है कैल्शियम आयंस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से और वी कैन से ब्लड से हमारे पास पहुँच जाएंगे मेटा आर्टेरियोलर सेल्स के अंदर, फिर वो हमारे पास क्या करेंगे कि हमारे पास मेटा आर्टेरियोलर सेल को डीपोलराइज कर देंगे और हमारे पास कंट्रैक्शन हो जाएगी, सो दैट हमारे पास हम कह सकते हैं कि अब मेटा आर्टेरियोलर सेल्स जो हैं वो वैजो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे और एक्सेसिव जो हमारा ब्लड फ्लो है उसको टूवर्ड्स द टिश्यू को जाने नहीं देंगे। कंट्रोल किसको किया, एक्सेसिव ब्लड फ्लो टूवर्ड्स द टिश्यूज, लेकिन इनके लिए प्राइमरी स्टिमुलेटर क्या था, इंक्रीज आर्टेरियल प्रेशर। इनके लिए जो हमारा प्राइमरी स्टिमुलेटर था वो क्या था, इंक्रीज आर्टेरियल प्रेशर, सो दैट मोर एक्सेस ब्लड फ्लो जो कि टूवर्ड्स द टिश्यू हो रहा था वो ना हो, और फिर हमारे पास वही बात कि कम वीनस ड्रेनेज बनेगा और फिर हमारा कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा अप टू द नॉर्मल। सो ये हमारे पास ऑटो रेगुलेशन मैकेनिज्म है। अब एक स्पेशलाइज यही इन्हीं को इसी कॉन्सेप्ट को लेके नाउ वी हैव टू डिस्कस कि वी हैव गॉट अ स्पेशलाइज टाइप ऑफ ऑटो रेगुलेशन जो कि हमारे पास कहाँ पे होती है, किडनी के अंदर। अब हम अगर किडनी का स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास क्या होता है कि जो किडनी को ब्लड सप्लाई कर रही होती है रीनल आर्टरी, वो अपने डिफरेंट डिविजन्स के अंदर डिवाइड होने के बाद एंड होती है एज
एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल हमारे पास बनता है अ बंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज दैट इज नोन एज ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के बाद हमारे पास इफरेंट आर्टेरियोल्स निकलती हैं और इफरेंट आर्टेरियोल से फिर हमारे पास पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज निकलती हैं। अब जब ब्लड हमारे पास एफरेंट आर्टेरियोल के अंदर आता है वो हमारे पास ग्लोमेरुलस के अंदर जाता है। ग्लोमेरुलस से हमारे पास क्या होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से हमारे पास क्या होता है कि जितना भी ब्लड के अंदर कंपोनेंट था, जितना भी फ्लूइड वगैरह था, एक्सेप्ट प्रोटीन्स और सेल्स, वो हमारे पास सारा का सारा एफरेंट आर्टेरियल्स और ग्लोमेरुलस से निकल के हमारे पास एक है ना फिल्ट्रेट के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, जो कि हमारे पास ग्लोमेरुलस के अंदर होता है, ठीक है। फिर ग्लोमेरुलस आगे कंटिन्यू होती है एज प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, तो वो फिल्ट्रेट भी हमारे पास ग्लोमेरुलस से कंटिन्यू होगा एज है ना एज अ फिल्ट्रेट इन प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल हमारे पास जाती है इन द लूप ऑफ हैनल। लूप ऑफ हैनल से फिर हमारे पास वही फिल्ट्रेट उसी लूप ऑफ हैनल के अंदर चल के पहुँचेगा कहाँ पे, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पे। अब डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के जो हमारे पास सेल्स हैं उनमें एक स्पेशलाइज टाइप का सेल होता है जिसको हम कहते हैं मैक्यूला डेंसा। अब मैक्यूला डेंसा क्या करता है कि मैक्यूला डेंसा डिटेक्ट करता है कि अगर हमारे पास एफरेंट आर्टेरियल पे ज़्यादा ब्लड फ्लो आ रहा है और फिर वो ज़्यादा ब्लड फ्लो टुवर्ड्स हमारे पास ग्लोमेरुलस जा रहा है और उस ग्लोमेरुलस से ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में हमारे पास फिल्ट्रेशन हो रही है और उस फिल्ट्रेशन से ज़्यादा अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट जो है वो हमारे पास है ना डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पे आ रहा है, तो ये डिटेक्ट करेगा मैक्यूला डेंसा कि अगर ज़्यादा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना है और ज़्यादा फिल्ट्रेट डीसीटी पे आ रहा है और ये ज़्यादा फिल्ट्रेट अब हमारे पास यूरिन में जाएगा तो वो ऐसा नहीं होने देगा, क्योंकि अगर हमारे पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट यूरिन में चले जाएगा तो हमारे पास है ना जो इफरेंट आर्टेरियल है ग्लोमेरुलस से इफरेंट आर्टेरियल उसमें ब्लड कम पहुंचेगा, ब्लड वॉल्यूम कम पहुंचेगा, फिर इफरेंट आर्टेरियल से पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और फिर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से हमारे पास वेनस ड्रेनेज बनता है। तो अब हमें क्या करना है कि मैक्यूला डेंसा ने बोला कि नहीं, ये जो मेरे पास एक्सेसिव अमाउंट में फिल्ट्रेट आ रहा है मैं इसको एक्सक्रीट नहीं होने दूंगा। वो क्या करेगा, वो बोलेगा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज को जो कि हमारे पास पीसीटी और डीसीटी के ऊपर कॉइल्ड हुई होती हैं उनको बोलेगा कि तुम अपना रीएब्जॉर्प्शन पावर इंक्रीज कर दो ताकि हमारे पास जो एक्सेसिव फिल्ट्रेट आया है वो रीएब्जॉर्ब हो जाए सारा, उसमें से प्लाज्मा और आइंस वगैरह रीएब्जॉर्ब हो जाए। साथ साथ में क्या करेगा कि साथ साथ में एफरेंट आर्टेरियल और इफरेंट आर्टेरियल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा देगा, एफरेंट आर्टेरियल को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो हमारा ग्लोमेरुलस की तरफ ना हो सके, ठीक है, और हमारे पास ज़्यादा फिल्ट्रेशन ना हो। और उसी वक्त में क्या करेगा कि इफरेंट आर्टेरियल्स और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज उनको बोलेगा कि अब तुम अपनी रीअब्जॉर्प्शन पावर ज़्यादा कर लो और ज़्यादा ब्लड ज़्यादा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से और वी कैन से ज़्यादा फिल्ट्रेट से हम अपने जो आइंस वगैरह हैं या अपने जो वॉल्यूम वगैरह है वाटर का वो रीअब्जॉर्ब ज़्यादा कर लो और फिर अपना वीनस ड्रेनेज जो है वो अपना इतना एब्जॉर्ब करो कि नॉर्मल वीनस ड्रेनेज तुम्हारा बन के एलिमिनेट हो जाए। सो दिस इज कॉल्ड एज ऑटो रेगुलेशन। वेल, कंट्रोल ऑफ टिश्यू ब्लड फ्लो बाय एंडोथेलियल ड्राइव रिलैक्सिंग और कंस्ट्रक्टिंग सब्सटेंसेस, ठीक है, तो हमारी टिश्यू ब्लड फ्लो के ऊपर ही बात चल रही थी और हमने एक्यूट कंट्रोल के अंदर देखा था कि है ना चार थ्योरीज को डिस्कस किया था, उसके बाद फिर ऑटो रेगुलेशन देखा था। अब ये लास्ट प्रोसीजर है जो कि एक्यूट कंट्रोल का है, वो क्या है कि हमारे पास सर्टेन एंडोथेलियल सेल्स जो होते हैं वो हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं जो कि या तो वेजो कंस्ट्रक्शन करते हैं या वेजो डायलेशन करते हैं। याद रखना ये जो सब्सटेंसेस मैं बता रहा हूँ ये एंडोथेलियल सेल्स से निकलेंगे क्योंकि ये एमसीक्यूज में आते हैं, ठीक है। अब एंडोथेलियल सेल से हमारे पास दो सब्सटेंसेस निकलते हैं, एक होता है नाइट्रिक ऑक्साइड और एक होता है एंडोथेलिन। नाइट्रिक ऑक्साइड और एंडोथेलिन दोनों हमारे पास एंडोथेलियल सेल से निकलते हैं लेकिन दोनों का काम जो है वो एंटागोनिस्ट है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, वैसोडायलेटर है और एंडोथेलिन क्या है, वो हमारे पास वैसो कंस्ट्रक्टर है। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास ब्लड जो होता है वो फ्लो हो रहा होता है, ठीक है, ब्लड फ्लो इस वजह से हो रहा होता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो नॉर्मली ब्लड के अंदर मौजूद होता है और वो क्या कर रहा होता है कि वो वेसल्स को डायलेट करके रख रहा होता है, ठीक है। अगर हमारे पास इस वेजो डायलेटर की कमी हो जाए तो हमारे पास क्या होगा कि वेजो कंस्ट्रक्शन बढ़ जाएगी और हमारे पास क्या होगा कि ना हाइपरटेंशन और वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी और ब्लड जो है वो ज़्यादा फ्लो नहीं कर सकेगा क्योंकि वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी तो हमारे पास क्या होगा कि ना ब्लड जो है वो वेसल के अंदर है ना आराम से फ्लो नहीं कर सक रहा
होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो हमारे पास नॉर्मली जो ब्लड जो होता है वो फ्लोइंग फॉर्म में, इस वजह से होता है कि वेजो डायलेटर्स जो होते हैं वो ब्लड को वेजल को डायलेट करके रखते हैं और ब्लड को ईजिली फ्लो होने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अब हम नाइट्रिक ऑक्साइड देखते हैं। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनता क्यों है? नाइट्रिक ऑक्साइड एक्चुअली बनता है हमारे पास टिश्यूज से, और ये टिश्यूज इस वजह से इस नाइट्रिक ऑक्साइड को बनाते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि जब उनको ज़्यादा ब्लड की नीड होती है तो वो ये सब्सटेंस बना देते हैं। ये सब्सटेंस फिर क्या करते हैं, ये नाइट्रिक ऑक्साइड जाता है वेसल्स के अंदर, वेसल्स के अंदर जाने के बाद क्या करता है कि ये सर्टेन एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, और फिर वो एंजाइम्स क्या करते हैं, वो एंजाइम्स एक्टिवेट करते हैं सीजीटीपी को, कन्वर्ट करते हैं सीजीएमपी के अंदर, सीजीटीपी को कन्वर्ट करते हैं सीजीएमपी के अंदर, और ये जो सीजीएमपी जो है साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, ये हमारे पास क्या करता है, ये एक्चुअली वैसोडायलेशन करवाता है। ये जो सीजीएमपी जो है ये हमारे पास क्या करवाता है, ये वैसोडायलेशन करवाता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड ने क्या किया कि पहले सर्टेन एंजाइम्स को एक्टिवेट किया, उस एंजाइम ने कन्वर्ट किया सीजीटीपी को सीजीएमपी के अंदर, और ये जो सीजीएमपी जो है ये हमारे पास फिर फाइनली जाके क्या करवाता है, ये वैसोडायलेशन करवाता है। अब अगर देखें कि जैसे मैंने बताया कि सीजीएमपी जो है वैसोडायलेशन करवाता है, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे पास टिश्यू ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है इस तरीके से। अब एक कंडीशन है जो कि लिखी हुई है कि है ना हमारे पास मेल्स के अंदर होती है। मेल्स में कंडीशन क्या होती है कि अगर हमारे पास जो पेनाइल है, ठीक है, उसकी इरेक्शन के लिए ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्योंकि उस पेनाइल की इरेक्शन उस वक्त होगी जब उसको ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई मिलेगा। ठीक है, अब क्या होता है कि हमारे पास सीजीएमपी का अगर इनहिबिटर बढ़ जाए, सीजीएमपी का अगर हमारे पास इनहिबिटर जो है, जो उसको तोड़ने वाला जो है, अगर वो एंजाइम बढ़ जाए तो वो क्या करेगा कि हमारे पास है ना पेनाइल इरेक्शन में प्रॉब्लम कर देगा। जैसे सपोज करो सीजीएमपी है, वो वैसोडायलेट करवा रहा है, अब अगर उसको जो है ना तोड़ने वाला हाइड्रोलाइज करने वाला एंजाइम है फॉस्फोडाइस्ट्रेज, अब अगर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि सीजीएमपी कम हो जाएगा। सीजीएमपी कम होगा तो हमारे पास जो है वो पेनाइल को है ना आर्टीरियल सप्लाई जो है ब्लड सप्लाई कम मिलेगी, ब्लड सप्लाई कम मिलेगी तो हमारे पास क्या होगा कि इरेक्शन नहीं हो सकेगी, इरेक्शन नहीं हो सकेगी तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम उसको क्या करते हैं कि जो इस टाइप के पेशेंट्स होते हैं उनको क्या करते हैं कि ऐसी मेडिकेशंस दी जाती हैं कि जिससे क्या हो कि फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स दिए जाएं और नाइट्रिक ऑक्साइड मेडिसिन के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का कॉन्टेंट जो हो वो ज़्यादा हो, ताकि हमारे पास है ना पेनाइल को ज़्यादा ब्लड सप्लाई मिल सके और इरेक्शन वगैरह में हेल्पफुल हो। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इस सिलसिले में। उसके बाद आता है एंडोथेलिन। एंडोथेलिन कब प्रोड्यूस होता है? एंडोथेलिन उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब हमारे पास है ना ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो। ठीक है, जैसे हमारे पास ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है किसके अंदर, है ना आर्टरी के अंदर, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है और वो ब्लड जो है वो अगर हमारे पास एंडोथेलियल सेल्स को, जो हमारे पास है ना वो होते हैं वेजल की पहली लेयर होती है एंडोथेलियल मेम्ब्रेन, अगर उसको ये डैमेज कर देगा तो क्या होगा कि फिर डैमेज होने से हमारे पास क्या होगा कि एंडोथेलियल सेल्स जो होते हैं वो एंडोथेलिन निकाल देंगे और वो क्या करेंगे, वो वेजो कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब ये वेजो कंस्ट्रक्शन से क्या एडवांटेज होगा? वेजो कंस्ट्रक्शन से एडवांटेज ये होगा कि हमारे पास ब्लड लॉस नहीं होगा। क्या होगा इस वेजो कंस्ट्रक्शन से हमारे पास क्या एडवांटेज होगा कि ब्लड लॉस नहीं होगा। जैसे कि हमारे पास ब्लड वेसल है वो डैमेज हो जाए तो उससे क्या होगा कि ब्लड जो है वो फिर पेरिफेरल टिश्यूज़ के अंदर जाना शुरू हो जाएगा, तो हमें इस पेरिफेरल टिश्यूज़ के अंदर ब्लड जाने से बचाने के लिए हमें क्या करना होता है, वेजो कंस्ट्रक्शन करानी होती है। तो ये वेजो कंस्ट्रक्शन कौन कराता है? एंडोथेलिन। लेकिन ज़्यादा वेजो कंस्ट्रक्शन भी जो है वो नुकसानदेह, क्योंकि ये फिर हाइपरटेंशन की तरफ ले जाती है। तो ये एक्यूट ब्लड फ्लो कंट्रोल था कंप्लीट। पर अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे लॉन्ग टर्म ब्लड फ्लो कंट्रोल।